तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू ऑल होप यू ऑल आर फाइन सो मैं आज मॉर्निंग टाइम उठी हूँ उठ के मैं फ़्रेश होने चली गई फ़्रेश होने के बाद मैंने टाइम देखा एंड गेस व्हाट हाँ भाई मुझे पता है आप लोगों की यही सिचुएशन होगी कि लाइबा इतनी जल्दी कैसे उठ सकती है लेकिन लाइबा को आज जाना था कोचिंग और लाइबा रात को जल्दी सो गई थी इसलिए वो सुबह इतनी जल्दी उठ गई फाइनली तो फिर मैंने जल्दी से अपना बाया पकड़ा जो कि रात को मैंने ऐसे ही लाके सोफ़े पर फेंक दिया था और मैंने ऐसे ही उठा के ना ऐसे ही पहन लिया मतलब सीधा करके पहन लिया मैंने साथ में अपना हिजाब वगैरह पहना और मैं हो गई कोचिंग के लिए रेडी रेडी होने के बाद मैंने ये एक छोटी सी क्लिप बनाई और फिर मैंने पकड़ा अपना बैग और मैं निकल गई घर से कोचिंग के लिए अपने रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ़ करने के बाद लेकिन मैंने साथ ही साथ अपनी पानी की बॉटल भी पकड़ ली और फिर मैं निकल गई अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर की तरफ आज मुझे उसका गेट नहीं बजाना पड़ा था क्योंकि उसे मेरी क़दमों की आहट सुनाई दे रही थी जब हम रोड पे गए तो रोड पे जाके हम ज़्यादा से ज़्यादा दो मिनट ही खड़े हुए होंगे तो हमारी बी आ गई हमने बस को रोका हम बस में बैठे और हम निकल गए अपने कोचिंग की तरफ कोचिंग पहुंचने के बाद अब वहाँ पे तो चल रही है रोड की कंस्ट्रक्शन तो हमें पैयूँ पयों जाना पड़ता है वैसे हम लोग ज़्यादातर पैं पयों ही जाते हैं कोचिंग तो हम लोग पैयों पीयूँ चल के अपने कोचिंग गए अब अंदर जाके ना वीडियो बनाना लाओ नहीं है फिर भी मैं थोड़ी बहुत छुप छुपा चुप के बना लेती हूँ तो मैं हम लोग काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज कोचिंग गए थे और मुझे ना थोड़ा सा मतलब अजीब भी फील हो रहा था कि मिस को जाके क्या बोलेंगे इतनी छुट्टियाँ क्यों की किएँ खैर फिर वहाँ पे क्लास वगैरह लेने के बाद हमारा ऑफ़ टाइम हो गया ऑफ़ टाइम के बाद हम लोग निकले वहाँ से और भाई ये मेरी फ़्रेंड को चेक करें इन्होंने तो नई नई दोस्तें बना ली हैं और मुझे अकेले छोड़ के आगे आगे निकल पड़ी फिर हम लोग पहुँचे अपने बाइक्स के अड्डे पे वहाँ पे हमने बाइक सेलेक्ट की और हम बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठकर अपनी पी का वेट करने लगे काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी बीएमडब्ल्यू आ गई थी और यार ये जो आगे रक्षे आते हैं ना ये रक्शो वाला को तो ना अलग से हिसाब होगा देखना हम बस देख रहे होते हैं और ये आगे आ जाते हैं अब यार नंबर भी देखना होता है हमें कि हमारी ही है या कोई और है खैर हम लोग बस में बैठे तो बस थी बिल्कुल खाली कभी कभी चांस लग जाता है और हमारा ना आज प्रोग्राम था जो कि बड़ा नहीं चल गया हमारा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम था रेस्टोरेंट से खाना खाने का तो हम लोग सीधा पहुँचे जिना कॉलेज बोर्ड ऑफिस पे वहाँ से हमने ना क्रॉसिंग ब्रिज क्रॉस किया और हम चले गए आइस एंड स्पाइस रेस्टोरेंट फिर हमें वेटर ने ला कर दिया मेन्यू और हमने उसमें से मेन्यू सेलेक्ट किया और जो हमने सेलेक्ट किया था वो था चिकन चिली ड्राई ऑर्डर देने के बाद मैं अपनी दोस्त के साथ करने लग गई पंगे क्योंकि ऑर्डर आने में भी टाइम था तो कुछ तो करना था ना और यहाँ पे सिर्फ हम लोग थे तो हम एक दूसरे के साथ ही पंगे कर रहे थे फिर मैंने ये एचअप बॉटल पकड़ ली जो कि हम हर बार जो है ना इसी चीज़ें लेना भूल जाते फिर उसके बाद हमें उन्होंने ला कर दी पानी की बोतल और यहाँ पे मेरी दोस्त मेरे हाथ धुलवा रही थी यार ये बंदी इतनी औसम है ना यार मैं क्या ही बोलूँ बस एक दिल निकाल के देना इसे बाकी है बाकी तो बस अल्लाह पाक से बहुत खुश रखे यार बहुत सपोर्ट करती है मुझे ये और इसके बगैर जो ना मुझे आदत लग चुकी है इसकी बहुत गंदी वाली आदत खैर हाथ व धोने के बाद हम वापस चले गए रेस्टोरेंट के अंदर स्टिल यहाँ पे कोई नहीं था जब तक हम वहाँ थे वहाँ कोई नहीं था खैर फिर हमारा ऑर्डर आ गया हमने जो है स्टार्ट किया खाना और मैंने साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी ली थी पहले इसने नहीं मंगवाई थी बाद में ये भी लेकर आ गई थी लेकिन ये जूस लाई थी फिर मुझे लग गई थी मिर्चें क्योंकि मैंने पूरी हरी मिर्च जो है वो खा ली थी तो मुझे लग गई मुझे मैंने फटाफट से अपनी कोल्ड ड्रिंक खोली कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद हमने खाना पीना करने के बाद जो हमारा थोड़ा सा खाना बच गया था वो हमने करवा लिया पार्सल अंकल हमारा जो खाना पार्सल किया था वो भी लेकर आ गए हमने वो रखा और पेमेंट वगैरह की और हम निकल गए अपने घर के लिए खाने का तो मैं बताना भूल ही गई यार खाना यहाँ का बहुत आउटस्टैंडिंग था यार चिकन चिल्ली ड्राई एक तो वैसे ही मेरी फेवरेट है और यहाँ की तो मेरी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है तो हम यहाँ से निकलने के बाद ना हम चले गए थे स्कूल्स वगैरह विजिट करने के लिए क्योंकि हमारा डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है तो जाहिर अब हमें टीचिंग स्टार्ट करनी है अपना करियर स्टार्ट करना है तो हम वहाँ पर चले गए थे कुछ स्कूल्स वगैरह हमने विज़िट किए ये दी स्मार्ट स्कूल गए थे हम लोग यहाँ पर अभी सिर्फ हम लोग बात करने के लिए गए थे लेकिन इन्होंने कहा कि आप वेट करें हम आपको फॉर्म ला के दे रहे हैं आप फॉर्म फिल कर लेना 2000 years later बहुत ज़्यादा देर के बाद इन्होंने हमें फ़ॉर्म ला कर दिया मैंने अपना और मेरी फ्रेंड का दोनों का फॉर्म फिल किया और वहाँ से फिर हम चले गए दूसरे स्कूल में पता करने के लिए और यार ये जो येलो वाला स्कूल है ना गाजी फाउंडेशन मेरी तबाही ज़िंदगी की ना यहाँ से स्टार्ट हुई थी मैंने नाइन मैट्रिक यहाँ से किया था तबाहुद ज़िंदगी तबाह है फिर उसके बाद हम यहाँ पे गए और ये जो बिल्कुल सामने वाली क्लासरूम थी ना ये हमारी क्लासरूम थी मैट्रिक हम इस क्लास में पढ़ते थे तो हमें यहाँ पे ना अब सैलरी वगैरह समझ में नहीं आई फिर हम चले गए सिटी एंजल्स स्कूल यहाँ तो हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आया खैर हमने वहाँ से कट लिया सीधा अपने घर का हमने कहा बस डायरेक्ट घर चलते हैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग सीधा आ गए अपने घर पर मैं चल चल कर इतना थक गई थी कि मुझसे सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो गया था और घर पे आने के बाद मेरे पैरों की हालत कुछ ऐसी थी शूज़ पहनने के बाद तो मैं जैसे ही मैंने अपने बेड को देखा मैंने कहा बस अब सो जाऊँ मैं सीधा सो गई उसके बाद मैं उठी जब मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे मैंने चाय बनाई एक कप अपने भाई को दिया एक कप मैंने पिया और पिया नहीं मैंने रख दिया था मेरी चाय ठंडी हो गई थी बच्चों के चक्कर में खैर मैंने रख दिया यहाँ पे कप और मैं चली गई बच्चों के पास उन्हें पढ़ाने के लिए फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी हल्की हल्की सी गर्म चाय उठाई और मैं बच्चों के सामने ही बैठ गई चाय पीने लगी और अबू बकर कर रहा था काम आजकल ज़रा अबू बकर थोड़ा सीधा हुआ हुआ है जो उसे कहते हैं ना वो करता है लेकिन उसे एक से दो दफ़ा पढ़ाओ ना तो कहता है मेरा मुंह थक जाता है पढ़ पढ़ के खैर फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं चली गई अपनी नानी के घर पे क्योंकि नानी की तबीयत आज ठीक नहीं थी बुखार हो रहा था और जब मैं वहाँ पर गई मुझे पता था कि इन्हें बुखार हो रहा है जब मैं वहाँ पर गई तो ये खा रही थी पान मैंने कहा वाह कितना अच्छा बुखार है आपका क्या बुखार में भी पान खा रही हो खैर जिस चीज़ की आदत लग जाए वो आदत जल्दी कहाँ छूटती है फिर मैं वापस घर आ रही थी तो मेरा भाई मुझे कह रहा था कि ना बड़े बड़े कदम उठा के चलो वो मुझे चलना सिखाता ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो मैं ज़रा छोटे छोटे कदम उठा के चलती हूँ यहाँ पे तो अंधेरा ही हो गया आप बताओ कैसे कदम उठाओ Hey, how are you? कैसे? ऐसे, 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 खैर थोड़े लंबे लंबे कदम उठाने के बाद मैं पहुंची अपने घर पर फाइनली होम स्वीट होम फिर घर आकर मैंने बनाई चाय लेकिन पहले मैंने खाना खाया था फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड ओके अल्लाह